अनादि से अनंत तक है यही परंपरा। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्या वसुंधरा। जिनकी चाल में वीरता है, जिनके शौर्य से कोई अनजान नहीं, जिन्हें सर झुकाना नहीं आता, जिनकी फौलादी पहचान निराली है, जिन्होंने पहनी है वर्दी बलिदान के लिए, ये हैं ईश्वर के अपने, गॉड्स ओन। थर्ड बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट, युगों से देश की मिट्टी और ध्वज के लिए प्राणों की आहुति देते देते उनका बलिदान भी अमर हो गया है। बेहद निष्पक्ष, नियम कायदों को मानने वाले, स्वाभिमानी, अकलमंद और सटीक, जंग में मुस्तैद और मजबूत, संकट की घड़ी में शांत, हसमुख और खुश मिजाज, यही तो वो सब गुण हैं जो गॉड्स ओन को जंग के मैदान में सबका चहेता बनाते हैं। लेडी नाइटिंगेल ने 8 दिसंबर 1818 को बटालियन को कलर्स प्रदान किए और एक नई विरासत की नींव रखी जो हर दिन और समृद्ध और महान होती गई। 7 जून 1824 को इसको नई पहचान मिली 22nd बटालियन द बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के रूप में। 1856 में कर्नल ली ग्रैंड जैकब, बाद में मेजर जनरल के नेतृत्व में बटालियन ने कजर वंश की पर्शियन सेना से जंग लड़ी और हेरात पर कब्जा करके दिखाया। उनकी बहादुरी के दम पर हुई हेरात, बुशीरे और खुशाब ऑपरेशंस के लिए उन्हें अनेक शौर्य मेडल प्रदान किए गए थे। 1862 से 1865 तक बटालियन चीन में रही। अंतरराष्ट्रीय फील्ड फोर्स का हिस्सा बनाने के लिए जर्मन जनरल अल्फ्रेड ग्रैंड वॉन वाल्डरसी के नेतृत्व में इस बटालियन को चुना गया ताकि बॉक्सर्स रेबेलियन को दबाया जा सके, क्योंकि ये विद्रोह चीन के उत्तरी प्रांत शैनडोंग में सोसाइटीज ऑफ हार्मनीज फिस्ट के नाम से तेजी से बढ़ता जा रहा था। सितंबर 1902 में बटालियन को सम्मानित चाइना कैंपेन मेडल प्रदान किया गया। उन्हें 24 मार्च 1903 को चाइना 1900 बैटल ऑनर से भी नवाजा गया। वर्ष 1903 में बटालियन को 22nd बटालियन का नाम 22nd बटालियन द बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से 122nd राजपुताना इन्फेंट्री कर दिया गया। 1911 के दौरान बटालियन अहमदाबाद से चलकर बलूचिस्तान के झोब प्रांत में पहुंची, जहां बटालियन ने अफगान विद्रोहियों का दमन करने के लिए अनेक ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बटालियन ने मेसोपोटामिया के युद्धों में बढ़ चढ़कर शिरकत की। टिग्रिस पर समारा की तुर्की सेना ने बगदाद के उत्तर में रेल सिरे पर अपना कब्जा बनाए रखा। 18 अप्रैल 1917 को बटालियन समारा की दिशा में मार्च कर रही थी, तभी इस्तबुलत में उसे दुश्मन के विरोध का सामना करना पड़ा। उस रोज राजपुताना कंपनी ने अपने दम पर लड़ते हुए उस मोर्चे को जीत कर अपने नाम इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रचा, और इस तरह 22 अप्रैल 1917 की रात तुर्कों ने चतुराई से टेक्रेट की तरफ से वापस खिसकने में कामयाबी हासिल करी, और उसी दिन बगदाद के राह में एक बड़ी रुकावट समारा पर जीत दर्ज हो चुकी थी। इस घनघोर युद्ध में बटालियन को 6 युद्ध सम्मान मिले, जिनके नाम हैं मेसोपोटामिया 1918, अफगानिस्तान 1919, बसरा, शाइबा, कुत अल अमारा और बगदाद। बल के अफसरों और जवानों ने 4 मिलिट्री क्रॉस, 2 इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, 2 कंपेनियन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, ब्रेविट लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 ऑर्डर ऑफ मेरिट सेकंड क्लास, 21 मेंशन इन डिस्पैचेस और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अर्जित किए। अक्टूबर 1921 में भारतीय सेना के पुनर्गठन के दौरान बटालियन को 6th राजपुताना ग्रुप के तहत रखा गया। इसे 3rd बटालियन द 6th राजपुताना राइफल्स का नया स्वरूप दिया गया, जिसके अंग थे राजपूत, जाट और पंजाबी मुस्लिम।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन बहादुर जवानों और उनके पराक्रमी अफसरों ने अपने लिए सम्मान अर्जित करते हुए अपने दुश्मनों को धूल चटाई। बटालियन बर्मा में जमा थी और उसका लक्ष्य था इंपीरियल जापानी सेना। 13-14 जनवरी 1945 की रात बटालियन क्योंग म्योंग की इरावडी क्रॉसिंग पर गश्त कर रही थी, तभी उस पर जापानियों ने पूर्वी तट से हमला बोल दिया। संख्या में कम होने के बावजूद भी जवान डटे रहे और घमासान लड़ाई में अपने बेनट से हमलों में उन्हें नदी के उस पार खदेड़ने में सफलता हासिल की। जापानियों ने पियर हिल नामक एक अहम चोटी पर बड़े जोरदार तरीके से हमला बोला। बर्मा में आर्टिलरी का यहाँ सबसे बड़ा जमावड़ा था। बंजाई की युद्ध पुकार और जापानी हमलों से आसमान गूंज उठा था, जिसमें उनका साथ दे रही थी 96 आर्टिलरी तोपें। लेकिन फिर भी राजपुताना कंपनियां घबराई नहीं, बटालियन की दृढ़ आत्मशक्ति के बल पर वो डटे रहे। बेशक 8 दिनों तक उन पर हमले होते ही रहे, लेकिन 3 फरवरी 1945 को पियर हिल का इलाका मानो चीख चीख कर इन बहादुर शूरवीर राइफलमैन के शौर्य की कहानी सुना रहा था। डिवीजन कमांडर ने इसे ऐतिहासिक महारण कहा और इरावडी ब्रिज से आगे बढ़ने का सम्मान हमारे राइफलधारी जवानों के हाथों में आ गया। बर्मा के हुए ऑपरेशंस के दौरान बरामद हुए अनेक जापानी गन, गोला बारूद और समुराई तलवारें आज भी बटालियन के ऑफिसर मेस की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो 3rd बटालियन राजपुताना राइफल्स की बहादुरी और अदम्य शौर्य की बानगी सुनाते हैं। अगस्त सितंबर 1947 विभाजन के बाद पंजाबी मुसलमान बटालियन को छोड़कर पाकिस्तानी सेना में चले गए और 14 राजपूत रेजिमेंट के हिंदुस्तानी मुसलमानों को 3rd राजपुताना राइफल्स में शामिल कर लिया गया। 3rd राजपुताना राइफल्स के लिए 7 फरवरी 1962 का दिन बटालियन के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन था, जब उसने इरावडी क्योंग म्योंग ब्रिज हेड बैटल ऑनर की याद को बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया। हिंदुस्तानी स्पेशल फोर्स के जन्म से भी पहले सेना के इतिहास में नाम आया मेघदूत फोर्स का, जिसका सृजन हुआ था 1965 में, जिसकी नींव रखी राजपुताना राइफल्स के मेजर मेघ सिंह ने, जिसमें कमोबेश 3 राजपुताना राइफल्स की टुकड़ियां शामिल थीं। खास तरीके से प्रशिक्षित इस बल को कुछ अहम खुफिया और दुस्साहसी ऑपरेशंस का हिस्सा बनना था, वो भी दुश्मन की सरजमी पर। थोड़े से ही बल में बटालियन नियंत्रण रेखा पार कर गई और वहां नीरसा पीर और अरी धोक नाम के पाकिस्तानी चौकियों पर उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। 8 सितंबर 1965 के दिन मेघदूत फोर्स को कठुआ पुल और उरी पुंछ लिंक को कब्जाने का उत्तरदायित्व दिया गया। टुकड़ियां सावधानी से अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ चली। 6 भारी मशीन गनों से दुश्मन उन पर आग बरसा रहा था। सेकंड लेफ्टिनेंट मोहिंदर सिंह ने बल की अगुवाई करते हुए राजपुताना जाबाजी के साथ अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया और ऊंची पहाड़ी पॉइंट 7405 से दुश्मन को उखाड़ फेंका। सत्ताईस अगस्त 1965 को दुश्मन को भौचक्का करते हुए बड़ी खामोशी से टुकड़ियां नाला पार करके पहुंची और ठंड चौकी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ने 4 जवाबी हमले किए, लेकिन अपनी राजपुताना जाबाजी को अस्त्र बनाकर 3rd राजपुताना राइफल्स की टुकड़ियों ने मोर्चा छोड़ा नहीं और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण देते हुए दुश्मन पर जमकर कमर तोड़ हमला किया। बटालियन को इस अदम्य शूरवीरता के लिए थिएटर ऑनर जम्मू एंड कश्मीर प्रदान किया गया। 29 जून 1969 को बटालियन को मीजो हिल्स में पोस्ट किया गया। सेलिंग में अपने जमावड़े के दौरान इसने आतंकरोधी कार्यवाहियां की। 31 जुलाई 1970 को पुलिस के साथ एक संयुक्त कार्यवाही में गॉड्स ओन ने इनामी कुख्यात स्वयंभू लेफ्टिनेंट लालथा किमा और उसके 4 साथियों को पकड़ लिया, साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए।
26 अक्टूबर 1971 को मिजोरम में अपनी आतंक रोधी तैनाती के बाद बटालियन राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में किशनगढ़ की तरफ चल निकली। बटालियन को इस्लामगढ़ के किले पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। टुकड़ियां जैसे ही इस्लामगढ़ किले के करीब पहुंची कि तभी लाइट मशीन गन और राइफलों से उन पर दुश्मन ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हवलदार दयानंद राम ने पहल की और दुश्मन की गोलाबारी के बीच वहां पहुंच गए जहां से दुश्मन वार कर रहा था। इस दौरान गोलियों के चपेट में आने की वजह से वो बहुत लहूलुहान हो गए थे, मगर प्राण त्यागने से पहले उन्होंने जानलेवा मशीन गन को खामोश जरूर कर दिया। इस शौर्य ने ब्रावो कंपनी के जाटों में शक्ति की लहर जगा दी और आसमान राजा रामचंद्र की जय के युद्ध घोष से गूंज उठा और कुछ ही मिनटों में दुश्मनों को खदेड़ के भगा दिया गया, जो अपने पीछे भारी मात्रा में असला बारूद और राशन भी छोड़ गए थे। बिना आर्टिलरी के सहयोग ही दुश्मन के इलाके में 14 किलोमीटर अंदर घुसकर इस्लामगढ़ के बुलंद किले पर कब्जा करना गॉड जोन की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। राजपुताना आन बान शान से लबरेज हवलदार दयानंद राम को उनके अदम्य साहस और शूरवीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।